वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडी अनसस्पेंड के बारे में। अगर आपका भी आईडी बैन हो गया है या सस्पेंड हो गया है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बहुत जल्द जो है आप सभी का आईडी अनबैन होने वाला है। वो कैसे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पर 50 के फैमिली जो है कंप्लीट हो चुका है। और 50 के स्पेशल जो है Q&A वीडियो आने वाला है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग पूछ लिया जी। और 50 के Q&A वीडियो में आप सभी के लिए एक स्पेशल गिवे भी रहेगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी का जो है आईडी कैसे अनसस्पेंड या अनबैन होगा। ओके, आप सभी को ये बात तो पता होगा कि फ्री फायर इंडिया जो है 5 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, यानी 5 सितंबर से आप लोग जो है फ्री फायर इंडिया को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेल। तो दोस्तों 5 सितंबर को ही आपका जो है आईडी अनबैन या तो अनसस्पेंड होगा, अगर आपने किसी भी प्रकार के ग्लिच फाइल हैक फाइल अपने आईडी के साथ यूज नहीं किया है। अगर आपने किसी भी प्रकार का ग्लिच फाइल या हैक फाइल का यूज किए हैं अपने आईडी के साथ, तो आपका जो है आईडी अनबैन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका आईडी जो है बिना किसी गलती के बैन कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया, तो 5 सितंबर तक जो है आप लोग वेट कर लीजिए। जब भी फ्री फायर इंडिया आएगा उसके साथ ही साथ आपका जो है आईडी भी अनबैन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो है आप सभी को फ्री फायर इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आप सभी को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आपको जाना है और वहाँ पर जो है मुझे फॉलो करना है। और इंस्टाग्राम के बायो में आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फ्री फायर इंडिया, इस दिए गए लिंक पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप सभी को जो है प्री रजिस्ट्रेशन जो है कर लेना है, बहुत ही आसान है। मैंने लिंक जो है बायो में दे रखा है इंस्टाग्राम का, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, अगर आप गलती करते हैं तो इससे भी आपका जो है आईडी बैन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है गलती नहीं करना है। हमारे गेम के अंदर 2-स्टेप एज वेरिफिकेशन ऑप्शन आया है, जिसमें आप सभी को जो है अपना एज वेरीफाई करना है कि आपका जो है एज कितना है, 18 साल से अधिक है या 18 साल से कम है। तो बहुत सारे प्लेयर जो है अधिक से अधिक गेम खेलने के लिए जो है 18 साल से ऊपर का आप जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि उनका जो है एज 18 साल से कम है। तो होगा क्या, इस स्थिति में भी आपका जो है आईडी बैन हो सकता है। अगर गेरेना को पता चला कि आपका जो है एज 18 साल से कम है, तो वहाँ पर जो है आपका आईडी बैन हो जाएगा। अभी ये पता कैसे चलेगा, तो ये जो है आपके आईडी से ही पता चल जाएगा। तो आपको जो है करना क्या है, आपका जो है जो भी रियल एज है, अगर आप 18 से कम है तो आपको जो है 18 से कम वाले ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको जो है डालना है। उसके बाद कन्फर्म कर देना है, आपका जो है आईडी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप 18 साल से कम है तो आप जो है केवल 24 आवर्स के अंदर 3 घंटे जो है गेम खेल सकते हैं। और ये जो है इंडिया के अंदर गेम को चलने के लिए जो है रूल लाया गया है। अगर आपका एज जो है 18 साल से ऊपर है, तो आपको करना क्या है, आपको जो है सिंपली 18 साल से ऊपर वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका एज जो है 18 साल से कम है, तो आप जो है यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आपका आईडी भी बैन हो सकता है। संसद में आपको बता दूं कि इस ऑप्शन को जो है आप लोग जो है 30 डेज बाद जो है चेंज भी कर सकते हैं। यानी अगर आप गलती से 18 साल से ऊपर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन जो है आप लोग वेट कर लीजिए। उसके बाद जो है आप लोग जो है इजीली इसको जो है चेंज कर सकते हैं। 2-स्टेप एज वेरिफिकेशन में जो है आप लोग गलती मत कीजिए, इससे भी आपका जो है आईडी बैन हो सकता है फ्यूचर में। और फ्यूचर में जो है हमारे कंट्री के अंदर जो ई स्पोर्ट का जो है टूर्नामेंट होने वाला है, हो सकता है कि हर स्टेट में जो है टूर्नामेंट हो, और हर स्टेट से अगर आप रजिस्टर करने जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपका दिक्कत हो सकता है। तो इस चीज़ को जो है गलती ना कीजिए। आप अगर 18 साल से कम उम्र आपका है, तो आपको जो है सिंपली 18 साल से कम वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। अगर आपका एज जो है 18 साल से ऊपर है, तो आप जो है 18 एबव जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जो है 5 सितंबर तक जो है वेट कर लीजिए, आपका जो है आईडी अनबैन या तो अनसस्पेंड हो जाएगा, अगर आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं किए और बेवजह जो है आपका आईडी बैन हुआ है तो।